सजूद को तुम सजदे से जानोगे, माबूद को इबादत से जानो, रिस्क राजक को अपने रिस्क से पहचानो। ये जो मेरे पास रिस्क आया ये कैसे आया, ये भी सवाल आपका हो सकता है कि मैंने कमाया। जा, तुमने जेन से कमाया होगा, जेन तू कहां से लाया? तूने जिस्म से कमाया होगा, जिस्म की तवानाई बता किधर से ली? अल्लाह इस बात कहता है कि मैंने तुम्हें रिस्क दिया, कमाया तुमने, ठीक है, उसका मतलब है कि देखो मैंने तुम्हें तवानाई दी है जो इस्तेमाल करके तुम रिस्क बनाते हो। रिस्क जो है ना, ये पैसे को भी रिस्क कहा गया है और नजर के नजारों को भी रिस्क कहा गया है, ये वाबस्तगियां भी तुम्हारा रिस्क है, होना रिस्क है, सांस रिस्क है, ईमान रिस्क है, ख्याल रिस्क है, सारा कुछ रिस्क है, हर वो चीज जो तेरे साथ आ रही है वाबस्ता तेरा रिस्क है, जिंदगी रिस्क है। और फिर मैं ये बता रहा हूं कि अपनी मौत को भी रिस्क में शामिल रख ताकि ये पता चल जाए, क्योंकि दानाई जो है ना ये यहां तक ही है, और मौत अगर समझ आ जाती तो शायद किसी मजहब की जरूरत ना होती। हर वक्त राज है, या मोहब्बत समझ आ जाती फिर शायद ऐसा पता चलता, ना मोहब्बत समझ आएगी ना मौत समझ आएगी, और ना तुम्हारे अपने अंदर कवा का इजमाल समझ आएगा कि मुजमिल क्यों हो गए, कि बैठे बैठे कैसे ओल्ड हो गया इंसान, कोल्ड हो गया, जो गलती को नहीं की है, गलती नहीं होती है, ये खुद ब खुद ही होता है। अब इस वाक्य को पहचानना चाहिए। आप लोगों को तो बड़ी आसानी है, पहले वाले इंसान को बड़ी तकलीफ थी। आपको पता किस बात की आसानी है आज के इंसान को, कि आप बगावत में इतने नहीं हो सकते जितना फिरौन था। हर आइटम जो है ना वो पूरा इंतहा को पहुंच चुका, बागी भी इंतहा को पहुंच चुके, मानने वाले भी इंतहा को पहुंच चुके। आप इल्म दोस्त है, फिक्र है, फलसफा है, फलसफे का भी हेड माजी से मिलेगा सुकरात साहब, फलसफे से चला गया। नहीं, आप लिटरेचर के बंदे हो, आप गजल कहते हो, लो आप गजल भी गालिब ही जाके मिलेगा। पूछा मरा पति कौन आदमी गालिब, कहते जी उससे आगे क्या गजल होगी, चलिए क्या नसर भी है आपसे पहले हो चुकी है, और गजल हो चुकी है, मुहावरा हो चुका है, कसीदा हो चुका है, शाहनामा हो चुका है, बागी हो चुका है, मुसाफिर सफर करने वाले सिंदबाद हो चुके हैं, आपके पास सिवाय तस्लीम और ताईद के राय को नहीं गया। खैर से आपने करना क्या है, कोई नई बात है नहीं, मेडिसिन भी हो चुकी है। ऐसे ऐसे डॉक्टरों की कहानियां किस्सा कि बंदा सामने गया, उसने जाके ये कहा ये दे दो, बंदा ठीक हो गया। वो ऐसे क्या हकीम अजमल कल की बात है कि उनका गया एक इंसान वहां पर, उसकी बारी नहीं आ रही थी, उसने वहां से बात दी कि मेरे तो टर्न नहीं आ रही है, बड़ी देर हो गई है, अंदर से किन जल दवा भेज दी उसको, वो जो बोल रहा था उसको ये दवाई दे दो। और उसने पूछा जी ये कैसे हो सकता है जी, मुझे मिले नहीं, नब्ज नहीं देखा, दवाई कैसे आपने दे दी? उन्होंने कहा तुझे ये जो है ना कोई आतशी बीमारी है, तेरी आवाज से हम जान, और उसको बदले बीमारी की दवाई दे दी। आप बात समझ रहे, यानी कि आवाज से वो राज बीमारी का पहचानने वाली, ये कल की बात है, नाबीना हकीम तो आपने खुद देखे, मेरे यहां तक तो हो चुका वाक्य। अब आपके सामने जो या तो कोई नया गोशा आपने डिस्कवर करना हो, कोई ना ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख सैर कर ना सका, अब इतना सारा काम तुम्हारा रह गया और तो वाकई नहीं रह गया। अब वही नाव आपको बचाने वाली है मजहब, और मजहब आपका जाती और तन्हाई अमल है। किसी मुसलमान की गलतियां मलतियां आपकी नहीं है गलतियां, जो सब होने दो, जाती तौर पर आप अपने आप को बचाओ अपने अकीदे में। ये मुसलमान हे मुसलमान हैं, ये ऐसे कैसे हैं मुसलमान, मस्जिद में जूता चोरी हो गया, हो गया, अब तेरा यकीन जाए फिर जा, जूता भी उसका, मस्जिद भी उसकी, दिया भी उसने, दोबारा फिर उसे ले लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं छोड़ते जूते के डराने वाले, हम फिर दोबारा फिर आएंगे। मतलब यह है कि अपने यकीन को और यकीन बनाओ, और यकीन बनाओ, हत्ता कि वो चीज जो मखफी है बाहर आ जाए। अल्लाह का सबसे बड़ा सबूत क्या है? अल्लाह का सबूत मैं हूं। इस दौर में जब कोई नहीं मानता तो मैं मानता हूं, ये आपने कहना है, मैंने नहीं कहना। आपसे कोई पूछे भी अल्लाह का सबूत क्या है, कौन सबूत है? मैं आप ही, जब तुम नहीं मानते मैं मानता हूं, और बड़ा सबूत क्या होता है?
करे तुमने उसको देखा है? सवाल यह कि सबूत मैं तुम्हें कैसे देऊं? तू जब देखा नहीं है तो तू उसके बारे में परेशान क्यों है? तो आज से ज्यादा दुनिया इसलिए परेशान है, देखे बगैर परेशान है, खुदा के बगैर। फिर चांद दिया तुमको, नहीं है खुदा और नहीं है जब तुम्हें गए। कोई आदमी ऐसी बात नहीं करता जो ना हो। तो ये एक राज है, ये आपने खुद हल करना है। और कभी अपना वक्त जाया ना करना उसके होने ना होने का। अपने होने ना होने का वक्त देखो, थोड़ा सा टाइम है, आपके होने के अंदर ही ना होना हो जाना है। इससे पहले कि ये ना होना हो जाए, आप अपने आप को एक अकीदा बना के दो। और बेहतर है बना बनाया रहेगा, जिसमें सेंचुरीज गुजरी हैं उसी को कबूल कर लो। और आप देखोगे कि हर चीज जो है ना आपको बड़ी आसानी से मिलेगी। मॉडर्न साइंस ने इंसान से अकीदा छीनना चाहा, छीना नहीं अभी तक। और मॉडर्निटी जो है, मॉडर्निटी हमेशा मुस्तकबिल की तरफ दौड़ती है कि पैसे जमा कर लो मुश्किल वक्त के लिए। रशीद साहब क्या मुश्किल वक्त के लिए? पैसे जमा कर लो, फिर जमा करने के बाद मुश्किल वक्त का इंतजार करो, फिर वो आ ही जाता है। मतलब यह है कि मुस्तकबिल की तरफ देखो, मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। साइंस इधर जाएगी, कल को जाएगी, और मतलब जो है ना जरा गुजरे हुए कल की तरफ। क्या आपसे अच्छे अच्छे लोग जो है वाकयात हो गए, कितने भाग जहान में लग लग सूख गए, ये आना और ये जाना आप देख रहे हैं। और बजाय इसके किस हंगामे में पड़ो, आप देखो कि बाप इत्तेफाक की बात है कि पहले आया। अदब तो खुद ही हो गया। यानी एक तो वो वैसे वाजिब उल एहतराम है, और एक तकदीम तखीर में उसका नंबर है कि इस लाइन में मतलब पहले आ रहे हैं। तो इज्जत भी उधर से आ रही है। इसी तरह समझो कि इज्जत जो है ना, जैसे आप करते हो सुकरात, पुराना मरे हुए को हड्डियां सुकरात की, पता नहीं क्या पढ़ाता रहता है। कोई अच्छा आदमी होगा, हाँ, कोई विवाह का फलसफा काम किया, वो सॉक्रेटिस जैरबल है, हाँ वही आदमी। तो लेकर ये इतना अरसे पहले जो इतनी बड़ी बात कह गया, कमाल की बात है, इतनी बड़ी कह गया। तो अच्छी बातें जो है ना माजी से मिलेंगी, सदाकतें भी, इरफाकतें भी, वाकयात भी। आज के इंसान ने माजी का अदब पढ़ता है, माजी से मजहब नहीं सीखा। सारा अदब माजी का पढ़ रहा है, सारी हकीकतें माजी से सीख रहा है। लाइब्रेरी क्या है? कल तक का इल्म। आने वाले इल्म तो आया नहीं अभी लाइब्रेरी में। आने वाला इल्म किताबों को आग लगा दो। ना मिल रहे, वो फिर जाते हुए बगदाद में, और जनाब क्या हुआ, हंगामा हुआ, वो कत्ल कर दिया, लाइब्रेरी दरिया बुर्द होगी। लाइब्रेरी बड़ा अफसोस होता है। तब बंदा जो है ना लाइब्रेरियों के बावजूद अब कितना इल्म है। कार में बच्चा जब रो रहा हो तो कौन सी लाइब्रेरी काम आती है? सर में दर्द हो तो कौन सी लाइब्रेरी काम आती है? बंदा हाथ से रुखसत हो गया, बैठे बैठे चुप कर गया, तो लाइब्रेरी क्या काम आई? लाइब्रेरी सिर्फ गुफ्तगुओं का नाम है, लाइब्रेरी काम नहीं आती। काम मतलब या तुम अपने आप के आ रहे हो, या तुम्हारी फितरत आ रही है, या फिर अगर समझ लो तो फातर हकीकी, उसको मान लो। सबूत तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। काफिरों को क्यों पैदा करता है? शैतान को क्यों पैदा कर दिया? ये अजीब बात है। अब आपका सवाल, असल में बताऊं सवाल क्या है? सवाल यह है कि अगर अल्लाह चाहे सबको एक अकीदा अता करना, क्या अल्लाह कादर है कि नहीं है? वो सबको क्यों नहीं किया उसने? यहां एक ऐसा मकाम है, उसने कहा बल हम जुसलून, मुझसे न पूछते मैंने क्या किया, बल्कि मैंने तुमसे पूछना है कि तुमने क्या किया। और इसको मान लो कि ये क्या करता है, ये कुछ करता है, पैगंबरों से मोहब्बत करता है, फिर उन्हें वादी तैयार से गुजारता है, और फिर अल्लाह रौनक लगाई, कहते हम आप पर दुरूद भेजते हैं फरिश्तों समेत, बड़ा बताम, लेकिन जरा इबादत करते जाओ, इसमें नागा नहीं होना चाहिए। दुरूद बदस्तूर जारी है और तकलीफ बदस्तूर जारी है। अल्लाह अल्लाह काम देते जाओ, हम और फरिश्ते मिलकर क्या कर रहे हैं, दुरूद भेज रहे हैं, और इधर से मतलब वादी तैयार से गुजारा जा रहा है, दुरूद जारी है। पैदाइश से भी पहले मरदे के भी बाद मिसाल के, अल्लाह का काम तो हमेशा ही के लिए रहा है ना, दुरूद तो जारी है और दुरूद जारी है और तकलीफ। लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारा अल्लाह इतनी मोहब्बत करता तो ये क्यों होता? लोगों को यह नहीं समझ आया कि मोहब्बत ही तो सबूत है इसका,
कि जिसको इतनी तकलीफ दी जाए उसका काम है इस्तीफा दे देना, अगर अल्लाह ना होता तो। अल्लाह है तो फिर सजदा है, तेरी मेहरबानी शुक्रिया इस वक्त गुजारा। सबसे बड़ा मकाम है कि उसके राह में जान दे दी और फिर उसके शुक्र अदा किया। गोया कि इतना बड़ा यकीन मुशाहदे का है कि तकलीफ के बावजूद जो है तस्लीम में कमी नहीं आई, इसे पैगंबर कहते हैं। और अब कमी के बगैर तस्लीम में कमी आ गई है, बगैर तकलीफ के दिक्कत ये मॉडर्न मैन है, उसको अल्लाह की तरफ से तकलीफ नहीं आई है और फिर उसका अकीदा शटर हो गया, और वहां तकलीफें हैं और फिर अकीदे की पुख्तगी है। अब पैगंबर, पैगंबर तो पैगंबर होता है, पैगंबर का बेटा जुदा हो गया जिंदगी में, पैगंबर रो रो के आंखों से महरूम हो गया, पैगंबरी से बगावत नहीं, इस्तीफा नहीं, फिर उसकी तरफ पैगंबर कुएं में, फिर पैगंबर, पैगंबर जेल में, फिर पैगंबर, पैगंबर पर इल्जाम, फिर पैगंबर, और इतना पैगंबर अल्लाह ने कहा कि आओ हम आपको आसन अल कसस सुनाएं। वैस कहा यूसुफ अली अबी, जब यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा जान मैंने चांद तारे देखे तो बड़ा खूबसूरत मेरा वाकया है, और अल्लाह से कोई ये पूछने वाला हो तो भी जेल में को भिजवा दिया। मुझे जेल वहां नहीं होती, वहां गुर्बत होती, करीब है तो फिर तलवार भी सही है, दूर है तो बादशाही भी नहीं, वहां सिर्फ बल्ले पे हजूरी और दूरी की खेल है और वहां कोई खेल नहीं है, बाकी सब वजूद की बातें हैं, वहां है नहीं। अगर करीब है जहां कुर्ब मिले तो वो उनका मकाम है, और ये वाकई वजूद का जो है आसाइश आ रहा है, यहां से कुफर पता चलता है काफर को, आसाइश वजूद है और वहां रूह के अंदर इतना नगमा है कि वजूद से बेखबर है। ये एक चीज जो है ना ये नहीं पता चलती, आपको ईमान जो है ना उस अंदर के मख्फी इंसान से आशना कराता है जो आपके अंदर मौजूद है, जिससे काफर नाशना है, आपको जिंदगी से ऐसी मौत की तरफ रजू कराता है जिसमें हयात जावेदा मिल सकती है, उसका कोई तसव्वुर नहीं है, आपको रूह से आशना कराएगा, नूर से आशना कराएगा। ये मजहब की बात, नूर एक ऐसा लफ्ज है अगर इसका मुशाहदा हो जाए तो फिर आपको बात समझ आती है कि नूर क्या चीज, नार और नूर का फर्क निकाल लो तो कुफर और मोमन का फर्क निकल आएगा, रोशनी दोनों में पाई जाती, नार नार है नूर नूर है, इसलिए काफिर मोमन कैसे हो सकता है मानने वाला न मानने वाला, कहता कैसे हो सकता है मानने वाला न मानने बराबर हो, कैसे हो सकता है कि सोने वाला जागने वाला बराबर, कभी नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। इसलिए आप मानने के बावजूद माने जाने के इनाम से महरूम न होना, ये हमारी नसीहत है, मानने वालों को इनाम यहां भी दुनिया में मिलता है, कहीं तजब्जब में ना पड़ जाना कि मेरा मानना सही है कि नहीं सही है, जिंदगी वैसे हाथ से निकली चली जा रही है, इससे पहले कि जिंदगी पिघल पिघला के बोझ निकल जाए अपने अकीदे को महफूज कर लो, एक ही बार तजब्जब निकाल दो। हम मानते हैं जानते नहीं है, इतनी सारे लोग कहते हैं ना, अरब ये कहता है कि मुझे इरफान हो गया, किस बात का, अल्लाह का क्या इरफान हुआ, क्या हम उसको नहीं जान सकते, इरफान है पूरा, ये इरफान है, कहीं इरफान मिल गया, क्या मिल गया, उसको हम नहीं पहचान सकते। जानने वाले ने यह कहा कि उसको उसके हक के मुताबिक नहीं जानते, और उसके मानने वालों ने कहा हम उसको जान नहीं सकते, बस इतनी सी कहानी है। हाँ अलबत्ता हम आप से नस्बत रखते हैं, नस्बत है, और वो इतना नस्बत रखने वाला है कि उसके सामने नजदीक और दूर के फासले बराबर है, वहां क्या नजदीकी क्या दूरी, तो सितम हो या करम हो, आप इसको राज समझेंगे, आप सितम हो या करम हो, अगर करने वाला महबूब हो तो फिर एक ही है, सितम करम तो अलग होता है जब करने वाला तलक में ना हो, अगर तलक में है तो उसका सितम भी करम है, साफ कहते हो, कता कीजिए न तलक हमसे तभी तो सितम ही सही। सवाल यह कि तलक की बात है, तलक मौजूद हो जाए तो फिर उसका हर हर फेल जो है आपको महबूब का हर फेल महबूब है, महबूब जो है।